नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो अमित चैनल में आपका स्वागत है। पायरिया दांतों की एक गंभीर बीमारी होती है। खाना खाने के बाद दांतों की ठीक से साफ सफाई नहीं करने के कारण पायरिया जैसे घातक रोग होने की संभावना बनती है। पायरिया में मुंह से गंदी बदबू आना, दांतों में दर्द होना, मसूड़ों में सूजन आना, मसूड़ों से खून आना, ये पायरिया के प्रमुख लक्षण हैं। अगर पायरिया को शुरू में ही रोका नहीं गया तो यह बीमारी आगे बड़ी बीमारी बन जाती है और पूरे दांत गिर सकते हैं। कई लोग ब्रश तो अच्छे से करते हैं परंतु अपने जीभ की सफाई ठीक से नहीं करते, जिसके कारण मुंह में बैक्टीरिया पनपते हैं। ये भी पायरिया होने के एक बड़े प्रमुख कारण बन सकते हैं। इस पायरिया जैसी बड़ी गंभीर बीमारी को रोकने और इस बीमारी को ठीक करने के लिए आज मैं आपको देसी आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खों के बारे में बताऊंगा, जो बहुत असरदार हैं और बहुत अच्छा असर दिखाते हैं। पहला, नीम की पत्तियों को धोकर छाया में सुखा लीजिए, फिर उसे एक बर्तन में रख कर जला लीजिए। जब पत्तियां पूरी तरह जल जाए तो बर्तन को ढक दीजिए और कुछ देर बाद इस राख में थोड़ा सेंधा नमक मिला लीजिए। इस मिश्रण को आप एक शीशी में भर कर रख लीजिए। यह चूर्ण आपके लिए एक बहुत अच्छा दंत मंजन का काम करेगा। दिन में 3 से 4 बार इससे आप अपने दांतों की सफाई करिए, मुंह की अच्छे से सफाई करिए, आपको पायरिया से निजात मिलेगा। दूसरा, चुटकी भर सादा नमक और चुटकी भर हल्दी, इसमें 4-5 बूंद सरसों का तेल मिलाकर इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसे उंगलियों के सहारे अपने दांतों पर लगाकर मालिश करिए और 20 मिनट तक करीब अपने मुंह में रखने दीजिए और जो भी लार आए उसे थूकते जाइए। यह पायरिया को ठीक करने का बहुत अच्छा नुस्खा है। तीसरा, कच्चा अमरूद पर थोड़ा सा नमक लगाकर खाने से पायरिया का उपचार होता है, क्योंकि यह विटामिन सी का उम्दा स्रोत होता है जो दांतों के लिए बहुत लाभकारी है। तो आप कच्चे अमरूद में थोड़ा नमक डालकर सेवन करिए, यह भी पायरिया से निजात दिलाने में एक सहायक सिद्ध होता है। चौथा, घी और कपूर का उपयोग। घी में कपूर मिलाकर दांतों पर अच्छे से मलिए, इससे दांतों से और मुंह से पायरिया के सारे लक्षण को दूर किया जा सकता है। पांचवा, काली मिर्च के पाउडर में थोड़ा सा नमक मिलाकर दांतों पर अच्छे से मालिश करने से पायरिया के रोग से छुटकारा पाया जा सकता है। छठवा, आंवला को जलाकर उसमें सरसों का तेल मिला लीजिए और उसे मसूड़ों पर धीरे धीरे मालिश करिए और उसके बाद इसे अच्छे से कुल्ला करके साफ कर लीजिए। यह भी पायरिया का एक बहुत अच्छी औषधि है। सातवा, थोड़ा सा जीरा, सेंधा नमक, हर्रा, दालचीनी और सुपारी, इनको थोड़ा ले लीजिए, इनको समान मात्रा में ले लीजिए और इनको समान मात्रा में लेकर एक बर्तन में रख कर जला लीजिए और जलाकर उसे अच्छे से पीस लीजिए। यह एक बहुत बढ़िया दंत मंजन का निर्माण होता है। इसका नियमित सेवन करिए, आपको दांतों से संबंधित, मुंह से संबंधित सारे प्रकार के रोगों के लिए यह बहुत अच्छी औषधि है। आठवां, 200 मिलीलीटर अरंडी का तेल, 5 ग्राम कपूर और 100 मिलीलीटर शहद, इसे लेकर अच्छे से मिला लीजिए और इस मिश्रण को एक कटोरी में रख कर इसमें नीम के दातून को डुबाकर उसे अपने दांतों पर मालिश करिए। ऐसा अगर आप कुछ दिन तक करते हैं तो यह पायरिया को दूर करने का एक सर्वोत्तम उपचार है। यह बहुत उत्तम विधि है, इससे आप पायरिया को ठीक कर सकते हैं। नौवां, प्याज के टुकड़े को तवे पर गर्म कर लीजिए और दांतों के नीचे उसे दबा कर रखिए और मुंह को बंद करके रखिए। इस प्रकार आप 10-12 मिनट तक उसे मुंह में दबा के रखिए और लार को मुंह में ही इकट्ठा होने दीजिए। इसे मुंह के चारों तरफ घुमाइए और अच्छे से कुल्ला करिए। उसके बाद प्याज और सबको एक साथ थूक दीजिए। दिन में 4-5 बार अगर आप ऐसा करते हैं तो 8 से 10 दिन के अंदर ही पायरिया को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। यह आजमाया हुआ नुस्खा है। यह दांत के कीड़ों को मारने की एक बहुत अच्छी औषधि है, मसूड़ों को मजबूती प्रदान करती है, दांतों से संबंधित सारे रोगों को ठीक करती है और पायरिया को पूरी तरह से 8 से 10 दिन में ख़त्म किया जा सकता है। दसवां,
इलायची और लौंग और खस, इन तीनों का तेल, इन तीनों को तेल को मिलाकर आप मसूड़े में लगाइए, इससे भी पायरिया से निजात पाने में मदद मिलती है। तो आप इन सारे बताए हुए प्रयोगों का कोई भी, इसमें से कोई भी एक प्रयोग का उपयोग करिए, उतना ही शक्तिशाली है, उतना ही सर्तिया है, सारे उतने ही असरदार है। तो इनमें से किसी भी एक औषधि का उपयोग करिए, सभी प्रयोग दांतों के लिए बहुत उत्तम है, बहुत उपयोगी है। इनका उपयोग करके आप पायरिया से मुक्त हो सकते हैं और दांतों संबंधित सारे रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी। तो आप आयुर्वेद के इन चमत्कारिक नुस्खों का उपयोग करिए और स्वस्थ और सुखी रहिए। धन्यवाद।